अलीगढ़ अखिल भारत हिंदू महासभा ने राष्ट्रपति को संबोधित 101 खून से लिखे पत्र भेजे, कहा मॉब लिंचिंग और जय श्री राम के जय घोष के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने मॉब लिंचिंग और जय श्री राम के जय घोष के नाम पर गुमराह किए जाने के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित खून से 101 पत्र भेजे। हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांड्या ने बताया कि जिस तरह से फिल्मी हस्तियों ने देश में मुस्लिम और दलित लोगों की हत्या होने जैसी घटनाएं पत्र लिखकर संज्ञान में लाए हैं, यह पूरी तरह से देश को गुमराह करने जैसी बात है। इस तरह की फिल्मी हस्तियां और साहित्यकार देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोग जाति और धर्म के नाम पर लोगों को विभाजन करने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए आज खून से पत्र लिखकर इनसे सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। रिनेक अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने कहा कि हमने व हमारे कार्यकर्ताओं ने 101 पत्र खून से लिखकर माननीय प्रधानमंत्री से ये मांग की है कि अभी हाल ही में कुछ फिल्मी हस्तियों ने पीएम को चिट्ठी लिखकर देश में मुसलमानों व दलितों पर अत्याचार जैसी बात कही गई है। देश में मॉब लिंचिंग हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा हुई है। देश में पंडितों की हत्या हुई तब किसी ने मॉब लिंचिंग का नाम नहीं लिया। 1983 में हजारों सिखों की हत्या हुई तब किसी ने मॉब लिंचिंग का नाम नहीं लिया। गोपालगंज में एक डीएम को भीड़ ने मार दिया तब ये हस्तियां निकालकर सामने नहीं आईं। तो निश्चित तौर पर इन हस्तियों का उद्देश्य देश से है ना समाज से है, नहीं मॉब लिंचिंग से कोई मतलब है। ये सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं। कुछ दिन से अगर किसी चोर या बलात्कारी को भीड़ ने सजा दी तो इन्हें मॉब लिंचिंग याद आने लगी। ये देश को बांटना चाहते हैं, इनको सिर्फ यही दिखता है कि देश में दलितों व मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं। ये वो लोग हैं जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग व उनके लोगों का समर्थन करते हैं, भारत विरोधी नारे लगाने वालों का ये समर्थन करते हैं। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ हमने ये उत्तर प्रधानमंत्री को लिखा है। ऐसे लोगों की संपत्तियों की जाँच की जाए, ऐसे लोगों के बैंक खाते देखे जाएं कि आखिर ये किसके द्वारा संचालित किए जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान या आतंकवादियों की छत्रछाया में पल रहे हैं। तो हमने पीएम से ये मांग की है कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। डेली इंडिया न्यूज चैनल से जिला अलीगढ़ संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बाइट अशोक कुमार पांडेय, प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा अलीगढ़। बाइट गजेंद्र पाल सिंह आर्य, उपाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा अलीगढ़। जा रही है, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मॉब लिंचिंग आज से नहीं, मॉब लिंचिंग अमेरिका के एक वर्जीनिया प्रांत के एक जस्टिस हुआ करते थे लिंच, उनका ये न्याय होता था कि भीड़ द्वारा वो हत्या करवा देते थे और एक तरफा कार्रवाई करवाते थे। ये शब्द वहां से चला। 1822 से लेकर के आज तक कभी इस शब्द का प्रयोग भारत में नहीं हुआ, जबकि मॉब लिंचिंग की अगर घटनाएं देखी जाए तो भारत में सबसे ज्यादा हुई। 1943 में नोआखाली में मॉब लिंचिंग हुई, जब लाखों हिंदुओं का कत्लेआम भीड़ में किया गया, मुसलमानों ने उनको घेर करके मारा, तब किसी ने मॉब लिंचिंग की आवाज़ नहीं उठाई। देश आज़ाद हुआ 47-48 में देश में मॉब लिंचिंग हुई, जब मुसलमानों ने हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। गांधी वध के बाद देश में पंडितों की हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई, तब किसी ने मॉब लिंचिंग का नाम नहीं लिया। 1983 में जब देश में दंगा हुआ तो हजारों सिखों को झुंड में जाकर के लोगों ने मारा, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार किया, तब मॉब लिंचिंग की बात नहीं हुई। जब गोपालगंज के एक आईएएस डीएम को भीड़ ने मार दिया तब ये हस्तियां निकल करके नहीं आईं। तो निश्चित रूप से इन हस्तियों का उद्देश्य न तो देश के प्रति है, न समाज के प्रति है, न इनको मॉब लिंचिंग की घटना से कोई मतलब है। ये राजनीति करने वाले देशद्रोही लोग हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन से किसी चोर को, किसी बलात्कारी को अगर भीड़ ने कोई जो है सजा दे दी तो इनको मॉब लिंचिंग याद आने लगी। ये देश को बांटना चाहते हैं, ये देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमानों और दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं। ये वो लोग हैं जो याकूब मेनन को फांसी होती है तो रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। ये वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं और